दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। और आपको आज मैं बताने जा रहा हूँ रिज़र्व बैंक की जो वैकेंसी निकली है उसके बारे में। दोस्तों इस वीडियो को अंत तक देखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। रिज़र्व बैंक ने CFO पद के लिए नए सिरे से मांगे आवेदन। नई दिल्ली, भारतीय रिज़र्व बैंक ने अपने यहाँ मुख्य वित्तीय अधिकारी CFO के पद के लिए नए सिरे से आवेदन मंगाए हैं। इस पद के लिए जिन उम्मीदवारों ने मई में पहले आवेदन किया था उन्हें आवेदन करने से रोक दिया गया है। रिजर्व बैंक का यह CFO कार्यकारी निर्देशक के रैंक का होगा। उसका काम बैंक की वित्तीय स्थिति के बारे में सही समय पर सही जानकारी देना होगा। वह बैंक की लेखा नीतियों और प्रक्रियाओं को स्थापित करेगा और उनका नियमन के साथ अनुपालन सुनिश्चित करेगा। क्या होगा CFO का काम? केंद्रीय बैंक ने सार्वजनिक नोटिस में कहा है कि CFO पद के लिए आवेदन 30 अक्टूबर तक रिजर्व बैंक को बोर्ड कार्यालय में पहुंच जाने चाहिए। CFO रिजर्व बैंक की लेखा नीतियों को भी तैयार करेगा, उसके आंतरिक खाते का रखरखाव करेगा और वित्तीय परिणाम भी जारी करेगा। इसके अलावा बैंक की भविष्य निधि नीतियों का भी संचालन करेगा। रिजर्व बैंक में अब तक इस कार्य के लिए अलग से कोई अधिकारी नियुक्त नहीं किया जाता रहा है। यह काम बैंक में आंतरिक तौर पर होता रहा है। बैंक में अब CFO की नियुक्ति को गवर्नर उर्जित पटेल की तरफ से किए जा रहे हैं। संगठनात्मक बदलाव की शुरुआत माना जा रहा है। दोस्तों अगर ये जानकारी अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं।